हे गाइस, तो देखिए परी स्कूल से आ गई है और परी हमसे प्रॉमिस की थी कि पापा हम स्कूल जाएंगे तो मेरे लिए आइसक्रीम ला देना। तो ये परी का फेवरेट, दिखा बेटा इधर, वैसे नहीं मुंह मुंह से नीचे। हाँ, परी का फेवरेट आइसक्रीम है। हाँ, तो परी का फेवरेट है ये फैमिली पैक आइसक्रीम, तो ला दिए हैं और परी इसको खाएगी अभी। हाँ, बच्चा में तुम्हारे लिए लाते थे यही फैमिली पैक आइसक्रीम। हाँ, डॉली अभी किचन में गई है। चैनल सोनू डॉली ब्लॉग्स, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो अभी मतलब परी के स्कूल आ चुकी है और हम अभी तैयार हुए रील शूट करने के लिए। तो जा रहे रील शूट करने के लिए और परी अपने पापा से बोलिए फ़ोन करके, पापा आइसक्रीम लेके आना। तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। हे गाइस, तो देखिए परी स्कूल से आ गई है और परी हमसे प्रॉमिस की थी कि पापा हम स्कूल जाएंगे तो मेरे लिए आइसक्रीम ला देना। तो देखिए हमारा मजेदार आइसक्रीम। तो ये परी का फेवरेट, दिखा बेटा इधर, वैसे नहीं मुंह मुंह से नीचे। हाँ, परी का फेवरेट आइसक्रीम है। हाँ, तो परी का फेवरेट है ये फैमिली पैक आइसक्रीम, तो ला दिए हैं और परी इसको खाएगी अभी। हाँ, बच्चा में तुम्हारे लिए लाते थे यही फैमिली पैक आइसक्रीम। हाँ, डॉली अभी किचन में गई है। हाँ, डॉली आ गई इधर प्लेट लेकर परी को। तो केक काटेगी उस वक्त खाएगी। देखिए तो आइसक्रीम पड़ी का ये है चॉकलेट फ्लेवर, इधर डॉली और इधर मेरा। हाँ, चॉकलेट फ्लेवर है बेटा ये। तो कैसा लगा बेटा? देखो इधर बेटा, दोस्तों को बताओ। नीला फ्लेवर, आज चॉकलेट फ्लेवर बहुत अच्छा लगा। पड़ी को बहुत दिन से खाने का मन था और हम कुछ काम से व्यस्त थे, नहीं ला पा रहे थे, इसलिए आज ला दिए। तो मिलते हैं गाइस फिर आपसे खाने के बाद। तो आइसक्रीम ये सब खाने के बाद हम लोग सो गए थे और हस्बैंड जी खाना खा के वो भी ड्यूटी चले गए, मतलब मम्मी दे दी थी खाना, हम सोए हुए ही थे। लाइट कट गया तब मेरा नींद खुला और उसके बाद ये देखिए अभी उठ गए। तो शाम हो गया, हम भी खाना वगैरह खा लिए और ये देखिए परी बेड पे, अब वो साड़ी जो हम पहने थे रील शूट करने के लिए जा रहे फोल्ड करके रखने उसको। और आज के शाम के खाने में मेरे को बहुत दिन से मन करा था, लेकिन गर्मी था और कुछ मेरा गर्दन पर रैशेज भी आ गए थे पिछले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, तो बहुत हमको प्रॉब्लम होता था। जल्दी से हम कुछ भी खाना बना ले तो बोले कि आज बारिश का मौसम है और तो हम आज बनाने जा रहे हैं सत्तू का पराठा। तो ये हस्बैंड से बात की तो बोले कि ठीक है बना लो। बड़ी कैसा रहेगा सत्तू का पराठा टमाटर का चटनी? क्यों रूसल हो? मोबाइल तो बोले ना कि दे देते हैं थोड़ी देर बाद, दो मिनट। और अच्छा तुम रो गई हो तो तुम्हारे लिए मंगवाए ना चीज दादू से, डब्बा वाला बिस्किट कौन खाएगा? तो आ जाएगा दादा, लेके आ जाएंगे। और गाइस एक और बात बताते हैं आप लोग को, पटी जब भी स्कूल जाती है ना तो एक पेन जरूर लेके आती है डेली। कल भी गई थी एक पेन लेके आई थी, आज भी गई है ताजी ये पेन लेके आई है। इसको पता नहीं पेन से कितना प्यार है, कितना प्यार है तुमको पेन से पड़ी। अच्छा सत्तू का पराठा कौन खाएगा? पापा? इनको तो बहुत पसंद आता है सत्तू का पराठा। आज हमको भी मन कर रहा कि बना ले सत्तू का पराठा, तो पापा को भेज है टमाटर ये सब लाने के लिए, तो लाने गए हैं। और अभी बेड वगैरह ठीक कर देते हैं तो परी इस पर बैठ के होमवर्क अपना कंप्लीट कर लेगी। तो गाइस बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। हाँ देख लो, ठीक है गाइस। शाम का टाइम हो चुका है और परी कर रही है अपना होमवर्क कंप्लीट, दो ठो कॉपी में कर ली और एक बचा हुआ है लास्ट, है ना बेटा?
देखिए, और यहाँ हम दांत के खाना का अब ये कर रहे हैं। और ये दूध पिएगी इसलिए दूध उबाल दिए हैं। ये सत्तू का पराठा बना, सत्तू बना दिए, इसमें भी धनिया पत्ता कट करके डालेंगे और आटा गूंध लिए। ये लहसुन बैंगन भरने के लिए, इसके नीचे टमाटर का चटनी बनाने के लिए। और इधर देखिए परी को दादा समझा समझा करके उसका होमवर्क कंप्लीट करवा रहे हैं, है ना परी? और परी को एक ठो पोएम याद करना है, थैंक यू गॉड, इसको हम 4-5 बार रिवीजन करवा देंगे। आज परी सत्तू का पराठा खाएगी, खाएगी ना? तो क्या खाओगे, क्या खाओगे? दूध कोचे? ओ, परी को खाने का मन कर रहा है मीट चावल। इसका तो डिमांड ही खत्म नहीं होता है, कभी चिकन चावल, कभी मछली चावल, कभी मीट चावल। अभी कभी हमको मीट चावल नहीं खिलाते हो, कल पापा इसके गए थे डॉक्टर सर के साथ, वहाँ तो वहाँ वेलकम पार्टी उनका हुआ था, तो वहीं मीट चावल खाए थे। तो बोल दिए कि पापा मीट चावल खाएं तो हम लोग कुछ भी बना के खा लेते हैं, बस उसको याद आ गया है। कोई करिए कि पापा खाली मीट चावल खाते हैं, हमको नहीं खिलाती हो, ठीक है तुमको भी मीट चावल खिला देंगे, ओके? अभी अभी आज मंगलवार है, आज मीट चावल ये सब नहीं बनाने का रहता है। कल सोमवार था इसलिए खाए थे, तो वहाँ ना खाए थे, घर पे थोड़ी खाए थे, घर पे बना के खिला देंगे, ठीक? अच्छा बोल देंगे पापा को कि अब कहीं जाइएगा ना तो मीट चावल खाइएगा, तो परी के लिए पैक करवा के ले आइएगा, ठीक? एकदम जीत दी, कभी चिकन चावल के लिए, कभी मीट चावल के लिए। तो आज बने रही है ब्लॉग में, जा रहे हम रात का खाना बनाने। तो मेरा होमवर्क बन गया, अच्छा है। हाँ देखिए, ये मेरा यो एक और ये मेरा होमवर्क है, आपको लोग को होली में मस्त रहिएगा आप। और ये देखिए मेरा होमवर्क एक और दिखा है, एक और दिखाते, ग्लास बचा हुआ है वो दिखाते आप सभी को। हैप्पी दिवाली। आज हैप्पी दिवाली है? हाँ है, तो मैं तो दिया बोल रहा है ना, जल्दी से चलिए कम्प्लीट, जल्दी से हम कम्प्लीट कर लिए हैं। अब हम आप सब लोग को दिखाने जा रहे हैं, देखिए देखिए गाइस, मैं हम पोयम याद करना है ना, लेकिन छोड़ कल कर लेंगे, मैं मारेगी तो हम लाओ ना, रीडिंग करवा देते हैं 4-5 बार रीडिंग करवा देते हैं। कैसा? पोयम, पोयम का बुक लिया, ठीक? कॉपी वाला भी वाले देना, हम खट्टे अंगूर वाला सुनेंगे। हे गाइस, तो हम खाना बना लिए, खाना बनाने के बाद हम खा लिए और हमको भी आ रहा है नींद। और इधर देखिए पढ़ी सो गई, मतलब पढ़ाई वगैरह कर ली, खाना खा ली, खुश हो गई। हम भी अरुण जी भी नया दिन का इंतज़ार कर रहे हैं, हैं उसके बाद हम भी सो जाएंगे। तो गाइस भाई का गुड नाइट, मिलेंगे मॉर्निंग में। गाइस गुड मॉर्निंग, तो आगे नेक्स्ट मॉर्निंग में, और अभी सुबह का टाइम है, सराया थोड़ा ना तैयार वार बहुत गए हैं जाने के लिए, रात में आए थे तो भींग गए थे ड्यूटी से, तो पढ़ी वरी सोई रही है। आज स्कूल पढ़ी को नहीं भेजें क्योंकि बारिश हो रहा है, मौसम पूरा बारिश बना है। डॉली किचन में नाश्ता बना दिया, चले मिलते हैं डॉली से। गुड मॉर्निंग, नाश्ता बन रहा मेरा, ट्रेनिंग का टाइम हो गया। तो आज उठने में लेट हो गया जिसके वजह से मौसम ठंडा किया था, तो नींद किसी का नहीं खुला। हम लोग 7 बजे उठे, हम लोग सब लोग सो गए, 7 बजे उठे हैं, जैसे पॉडी का स्कूल भी मिस हो गया क्योंकि उसका टाइमिंग है 6:30 बजे ही। फिर भी बोले थे परी को क्या नाश्ता में भिंडी का भुजिया पूरी ही बना देंगे, तो बना दे रहे हैं कि खा के चले जाएंगे, परी भी खा लेगी, खुश हो जाएगी। पूरी और ये भुजिया,
मेरा भी फेवरेट है, पड़ी का भी है। नाश्ता करेंगे फिर तुरंत निकल जाएंगे क्लिनिक। पड़ी सोई हुई है, वेदर एकदम देखिए मौसम अच्छा है, दो तीन दिन बारिश वाला एकदम हो रहा है, मतलब ये देखने से फोन में लग रहा है ऐसा नहीं, लेकिन बारिश हो रहा है, फिसल फिसल वाला बारिश, तेज होगा नहीं तो ऐसे ही होते रहेगा। कल पड़ी कला के दिए थे उसका फेवरेट आइसक्रीम फैमिली पैक, खाई थी आधा फ्रिज में रख दी थी। मटन चावल के लिए, हाँ मीट चावल के लिए, कि पापा खाते हैं हमको नहीं खिलाते, हमको खाना है तो खाना है मीट चावल, बनाओ अभी आज मंगलवार है, आज के बारे में बोली है कि आज चिकन चावल बनावाएंगे, अभी सोई हुई है, उठेगी तब अपना सुनाएगी कथा कि क्या खाना बनेगा। देखिए तो परी उठ गई है, अभी ब्रश कर रही है, स्कूल गई नहीं है, ब्रश कर रही है बाबा, ब्रश कर रही है परी, फेवरेट बन चुका है भुजिया पूरी। तो परी अब ब्रश करके नाश्ता करेगी, और नाश्ता करने के बाद फिर परी होमवर्क बनाएगी, होमवर्क तो बना लिए, पढ़ेगी, है ना बेटा, है ना बेटा, एक तो पोयम मिला है, पोयम याद कर लेगी, है ना बेटा, इंग्लिश में मिला है थैंक यू फॉर पोयम। गाइज आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा, साथ में कमेंट भी करिएगा।